हेलो दोस्तों नमस्कार गुड मॉर्निंग स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स में तो यूकेट ट्रिप्लस्सी का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है दोस्तों प्रेस नोट के माध्यम से जो कि संबंधित आपके वीडियो वीपीडीओ सहित स्नातक स्तरीय आठ सौ चौरानवे पदों के एग्जाम पेपर के संबंध में कि कितने अभ्यर्थियों ने इसकी परीक्षा दी है कितनी पालियों में ये परीक्षा हुई थी और कितने लोग कुल इसमें बैठने वाले थे सारा रिकॉर्ड यूकेट ट्रिप्लस्सी के द्वारा इसमें दिया गया है और देखिए दोस्तों तीन शिफ्टों में आपका एग्जाम पेपर हो चुका है और आपने एग्जाम भी दे दिया होगा आप लोगों के जो आंसर की है वो या तो आज शाम तक या फिर कल शाम तक यूके ट्रिपल एस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी जो ऑफिशियल आंसर की है ठीक है कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर सेफ स्कोर क्या रहेगा आप वीडियो बना के बता दीजिए कट ऑफ क्या रह सकते देखिए दोस्तों जब तक आंसर की नहीं आएगी तब तक कोई भी आपको अच्छा स्कोर नहीं बता पाएगा क्योंकि आपकी आंसर की से ही आपको अपने मार्क्स पता लगेंगे उसमें माइनस मार्किंग भी आपको करनी पड़ती है कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं कि वो अपने जो जो नंबर सही आ रहे हैं वो जोड़ देते हैं माइनस नहीं करते हैं ठीक है आपकी इसमें वन बाई फोर माइनस मार्किंग भी है ठीक है और टोटली तीनों शिफ्टों का एग्जाम पेपर लेवल बिल्कुल सेम सेम सा ही था एक से दो प्रश्न आपको ऊपर नीचे मिलेंगे ठीक है या दो से तीन प्रश्न ज्यादा से ज्यादा एक शिफ्ट में आपको ऊपर नीचे मिलेंगे बाकी कोई भी ज्यादा अंतर नहीं रहने वाला है लास्ट शिफ्ट जो तीसरी शिफ्ट में हमें हार्ड लगने का ज्यादा रीजन यह है कि तीसरी शिफ्ट में हिंदी थोड़ा सा अच्छे लेवल की पूछी गई है लेकिन तीसरी शिफ्ट का मतलब जो सेकंड शिफ्ट थी पाँच तारीख की दूसरी वाली और पहली दोनों के क्वेश्चन अगर आप कंपेयर करेंगे ना दोनों के क्वेश्चन सेम है और कंफ्यूजन बिल्कुल सेम है ठीक है पहली शिफ्ट में भी जो हिंदी में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं सेकंड शिफ्ट में भी उसी प्रकार के ऑप्शंस दिए गए ठीक है तो जिन अभ्यर्थियों का पहली शिफ्ट में था वो भी गलतियां करके आए हैं सेकंड शिफ्ट वाले भी अभ्यर्थी गलती करके आए हैं और चार तारीख को जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम पेपर था वो भी गलती करके आए हैं लेकिन चार तारीख को थोड़ा सा जो स्कोर पता लग रहा है अभी तक वो ज्यादा स्कोर है बाकी जैसे ही आपकी आंसर की आ जाएगी तो अलग अलग जो हमारे छात्र रहेंगे या जो हमसे पढ़ते हैं या जो आप लोग ही हैं तो पोल कराया जाएगा पोल के हिसाब से पता लग जाएगा दोस्तों कि कितना एग्जैक्टली exactly मेरिट जा सकती है और वह भी संभावित मेरिट ही होती है बाकी अभी देखते हैं सेफ स्कोर मेरे अकॉर्डिंगली अभी तक के हिसाब से दोस्तों पैंसठ से सत्तर के बीच में आपका सेफ स्कोर होना चाहिए ठीक है लेकिन नॉर्मलाइजेशन है अगर नॉर्मलाइजेशन में एक दो नंबर ऊपर नीचे जाता है तो अड़सठ से सत्तर के बीच में आ सकता है ये जनरल कैंडिडेट के लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी कैटेगरी में तो आप एक दो नंबर कम करके नीचे को आ सकते हैं तो चलिए पहले नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों प्रेस नोट दिनांक 4 व 5 दिसंबर 2021 को आयोजित अब तक की सबसे बड़ी लिखित परीक्षा का सफल संचालन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा दिनांक 4 और 5 दिसंबर 2021 को तीन पालियों में सहायक स्तरीय अर्हता के कुल 13 विभागों के 854 पदों पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया अभ्यर्थियों की कुल संख्या तथा परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या दोनों के लिहाज से यह राज्य की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा है इस परीक्षा में दो लाख सोलह हजार पांच सौ उन्नीस अभ्यर्थी थे जिसमें से एक लाख छियालीस हजार दो अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे तथा एक लाख छियानवे हजार सात सौ छत्तीस अभ्यर्थियों ने अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड किया था इस प्रकार अधिकांश अभ्यर्थियों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए इसके लिए सभी अभ्यर्थियों को एस से भी सूचना प्रदान की गई थी यह रिकॉर्ड पहली शिफ्ट में एक सौ इकसठ परीक्षा थे तीन परसेंट इसकी उपस्थित प्रतिशतता रही दूसरी शिफ्ट में एक सौ इक्यानबे सेंटर थे कुल सजहत्तर हजार पांच सौ अड़हत्तर लोगों ने पेपर दिया बावन हजार सौ उपस्थित अभ्यर्थी थे इसमें और चौसठ की इसमें आपकी प्रतिशत बीसी सितंबर 188 सेंटर पर हुई थी 75471 इसमें कुल अभ्यर्थी थे था 51331 उपस्थित अभ्यर्थी थे जिसका परसेंटेज 67.42% है ठीक है इस प्रकार प्रदेश के सभी जिलों में कुल 440 परीक्षा केंद्रों का परीक्षा का संचालन किया गया प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों व सभी परीक्षा कक्षों को मोबाइल जैमर से आच्छादित किया गया जो कि एक उपलब्धि है सभी अभ्यर्थियों की हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर डिवाइस से फिक्सिंग व सुरक्षा जांच की गई सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति की गई इसमें अभ्यर्थियों का फोटो और अंगूठा निशान लिया गया इसको अभिलेख सत्यापन के समय वेरीफाई भी किया जाएगा कोविड संक्रमण से संबंधित प्रोटोकॉल का अनुपालन करने हेतु करते हुए प्रत्येक परीक्षा केंद्र को सैनिटाइज किया गया प्रत्येक अभ्यर्थी की थर्मल स्कैनिंग की गई परीक्षा में सहयोग करने वाले कर्मिकों को मास्क ग्लव्स तथा हैंड सैनिटाइजर उपयोग की ओर से उपलब्ध कराया गया आयोग की ओर से अभ्यर्थियों के लिए भी हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया इसके साथ ही प्रत्येक अभ्यर्थी को एच एच एम डी से चेकिंग की गई व बायोमेट्रिक उपस्थिति भी ली गई प्रेस विज्ञप्ति जारी किए जाने तक इस परीक्षा में किसी भी अप्रिय घटना या गड़बड़ी की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है आयोग इस परीक्षा में सफल संचालन के लिए सभी केंद्र अधीक्षकों जिला पुलिस होमगार्ड प्रशासन के समस्त अधिकारियों या कर्मचारियों सेवा प्रदाताओं तथा आयोग प्रतिनिधि का धन्यवाद प्रज्ञापित करता है शीघ्र ही आयोग वेबसाइट पर इस परीक्षा की उत्तर कुंजी का प्रकाशित किया जाएगा साथ ही अभ्यर्थियों के प्रश्नों की, की चुनौती पर भी अवसर दिया जाएगा तो इसके आंसर की दोस्तों आपकी कल शाम तक या फिर आज शाम तक आ जाएगी बाकी जैसे आंसर की आ जाएगी आपको दोस्तों सूचित कर दिया जाएगा तो एग्जाम आपका हो चुका है आई होप दोस्तों आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा यार देखो दोस्तों एक बात मैं साफ कहना चाहूंगा कि जिस अभ्यर्थी ने एक से दो साल से मेहनत करी हुई है या जो एक्सपीरियंस वाला अभ्यर्थी है या छः महीने में जिसने कंटिन्यूसली मेहनत की हुई है प्रैक्टिस अटैम्प की हुई है उसका पेपर निश्चित ही अच्छा जाना चाहिए क्योंकि अगर हम देखें तो हिंदी का लेवल थोड़ा सा हार्ड हम कह सकते हैं पेपरों में ठीक है बाकी जीएस के लेवल में भी जीएस का जो पेपर है उसमें भी दस प्रश्न तो आपको तीनों शिफ्टों में लगभग लगभग हार्ड मिल जा रहे हैं और उत्तराखंड तो यार बिल्कुल सही आई है ठीक है उत्तराखंड के पांच पांच क्वेश्चन हर शिफ्ट में हार्ड है ठीक है बाकी सारी उत्तराखंड आपको परीक्षावाणी और अयराव जी की किताब से मिल जाएगी ऐसा भी नहीं है कि आयोग ने कुछ अलग ही उठा के दे दिया हो ठीक है पांच पांच प्रश्न तो नए आते ही है यार दोस्तों एग्जामिनर को भी मेरिट या जो आयोग को भी मेरिट आपका सत्तर तक लानी होती है या सत्तर से पिछहत्तर तक लानी होती है तो ये पेपर का लेवल था जिस अभ्यर्थी ने तैयारी करी होगी रिविजन किया होगा अच्छे से पढ़ा होगा उसका पेपर अच्छा ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो बाकी ऑप्शन में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हुए हैं क्योंकि ऑप्शन कॉम्प्लिकेटेड बनाए गए थे तो ऑप्शन के हिसाब से ही दोस्तों आपके यहाँ पे क्योंकि प्रश्न तो सरल लग रहे थे लेकिन जो ऑप्शन है उसमें उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त सभी इस प्रकार के जो ऑप्शन थे बहुत जो करीबी ऑप्शन थे वहाँ पे गैस करने में भी बहुत दिक्कत होती है हम ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड का प्रयोग करने में भी थोड़ा सा वहाँ पे हड़बड़ाते हैं कि यार क्या हो सकता है तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम थी ऑप्शन की वजह से कंफ्यूजन बढ़ रहा था लेकिन ओवरऑल ही दोस्तों आपका एक गुड पेपर था एक ग्रेजुएशन लेवल के लिए जो पेपर होना चाहिए उस हिसाब का पेपर था और आयोग ने इस बार ऐसा उठपटांग ज्यादा कुछ भी पेपर नहीं पूछा था बिल्कुल एक अच्छा पेपर बनाया था और जिसने भी जो भी एग्जाम आयोग के मॉडरेटर्स थे जिन्होंने पेपर सेट किया उन्होंने बहुत दिमाग के साथ में पेपर सेट किया हुआ था बाकी देखिए आंसर की आने देते हैं फिर ऑफिशियली आप लोग के जो भी मार्क्स पता लगेंगे उसके हिसाब से दोस्तों आगे चलते रहेंगे अब 12 दिसंबर को लोअर पीसीएस वाले तैयार हैं दोस्तों और इसी के साथ एक और चीज़ कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि पटवारी लेखपाल इनके एग्जाम आपके हो जाए जुलाई से पहले पहले तो आप आयोग को मेल कर सकते हैं और एग्जाम अब पॉसिबल तभी हो पाएंगे आपके जब वो ऑनलाइन मोड में होंगे क्योंकि आयोग ऑफलाइन मोड में कह रहा है कि परीक्षा नहीं करवा पाएगा क्योंकि अभी चुनाव भी होने वाले हैं और आचार संहिता में आयोग एग्जाम कराने में थोड़ा सा चिंतित है तो ये चीज़ें अभी देखने वाली होंगी कि आपका आगामी पेपर कब होंगे बाकी दोस्तों आप लोग तैयारी करते रहिए ऑल द बेस्ट आपको फ्यूचर के लिए पढ़ते रहिए देखिए सफलता एक पेपर से आपकी सफलता और असफलता निर्धारित नहीं होती दो पेपर से भी आपकी सफलता असफलता निर्धारित नहीं होती करत करत अभ्यास आपको अभ्यास करते रहना है मेहनत करते रहनी है डिमोटिवेट नहीं होना है देखिए लाइफ में फेलियर सबके आते हैं दोस्तों हम ही हमारे ही नहीं आपके ही नहीं हर किसी की लाइफ में फेलियर्स आते हैं भले ही एक बंदा कोई आई भी बन रहा है ना तो उसके लाइफ में भी फेलियर्स आए होंगे आए नहीं है तो आगे लाइफ में आएंगे तो फेलियर्स से लड़ना सीखना पड़ता है क्योंकि देखिए आप खुद ही सोचिए जब दो लाख लोग अभ्यर्थी फॉर्म भर रहे हैं उसमें से आठ सौ का सिलेक्शन होना है तो कुछ तो फेल होंगे ही होंगे तो फेलियर से घबराना नहीं है दोस्तों आपको मेहनत करती जानी है आपको काबिल बनना है और काबिल करते ही उपलब्धता हासिल करनी है और जॉब हासिल करनी है तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों धन्यवाद